हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ऑल इज हियर बाय प्रिया। आज मैं आपको बतासे यानी कि फुसके की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि आप घर पर जल्दी से बनाकर सर्व कर सकते हैं और बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत पसंद है। तो ये मैं रेडीमेड पानी पूरी ली हूँ, जिसमें कि आपको पूरी भी मिलेगी, चटनी भी मिलेगी और पानी का बैटर भी मिलेगा। इसमें दो तरह की चटनी है और चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से पैकेट्स में यहाँ पर 50 आपको पूड़ियाँ मिल जाएंगी और यहाँ पर ये पैकेट्स हैं इस तरह के दिए हुए, जिसमें चटनी है खजूर इमली की। अगर आपको मीठा सूखा बतासे पसंद हो तो आप बना के खा सकते हैं। पुदीना पानी पाउडर आपको मिलेगा, साथ में एक है ये हमारा खट्टा मीठा इमली पानी पाउडर। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए, इसका मैं आपको प्राइस भी बता दे रही हूँ। ये ओनली 55 रुपीज़ का है और 55 रुपीज़ में ये बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर में 50 बतासे प्लस पानी बनाकर खा सकते हैं। मार्केट में जो आप खाते हैं उसे बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे प्लेट्स में पूड़ियों को निकाल लिया है। इस तरह की पूड़ियाँ हैं ये, और चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। यहाँ गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, तेल मैंने कढ़ाई में गर्म होने को रख दिया है। तो चलिए इनमें पूड़ियाँ धीरे धीरे डालेंगे। सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करना है, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर करके इस तरह से पूड़ियों को फ्राई करना है। धीमे धीमे आंच पे आप फ्राई करेंगे तो पूड़ियाँ हमारी जो है ये बहुत ही अच्छी फूलती हैं और क्रिस्पी बनती हैं। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी बन गई हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बाकी की बची हुई भी इसी तरह से फूल गई हैं और उन्हें भी मैं इसी तरह से फ्राई करती जाऊंगी। और चलिए इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया हमारी पानी पूरी के लिए पूरी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम पानी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है, 1 कच्चा आम लिया है। अब आप सोचेंगे मेरे पास ये पानी पूरी पाउडर है फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाँ, तो मैं इसे और भी चटपटा बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आम लिया हुआ है, इसके मैं इस तरह से पील निकाल लूँगी इस तरह से नाइफ के थ्रू और इसे छोटी स्लाइस में कट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का मिक्सर जार लिया है, इसमें स्लाइस कर करके हमें कट करके मैंगो को इस तरह से डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा पानी का और मिर्च की वजह से बहुत ही तीखी लगेगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 500 ml चिल्ड वाटर लिया है, जिसमें ये मैंने पाउडर डाल दिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार किया है उस पेस्ट को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं, ये देखिए। और इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हींग मैंने ऐड की है। हींग से बहुत ही अच्छा पानी का टेस्ट आता है। तो चलिए सेकंड पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेम 500 ml पानी लिया है और इसमें मैंने इमली का खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर दिया है। तो ये हमारे दोनों फ्लेवर के पानी बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें से मैं तीखा जो हमारा पानी था उसमें सिर्फ हमें एक चीज़ और मिक्स करनी थी। आपने देखा होगा इस तरह से बूंदी मिक्स होती है तो खाने में बहुत ही टेस्ट आता है, तो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है और पानी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दो तरह का पानी देखिए हमने घर पर बनाया है और बहुत ही चटपटा बना है। और यकीन मानिए, जो खट्टा वाला पानी है ना, इसमें तो आपको पुदीने का, हींग का सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उबली हुई मटर भी रखी है, उसमें प्याज ऐड कर दिया है। वाओ, ये देखिए बतासे इस तरह से बीच से हम इसे तोड़ लेते हैं और इसमें मटर भर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मटर भर ली है और चलिए इसमें अपने मनपसंद खट्टा पानी ऐड करते हैं और मीठा पानी ऐड करते हैं। और पहले सबसे पहले मैं स्पाइसी पानी को टेस्ट करूँगी। वाओ, क्या टेस्ट आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से अपने घर पर बतासे बनाइए और यकीन मानिए आपको मार्केट से बेहतरीन रेसिपी ये घर पर लगेगी। और आपने खुद बनाया है तो आपको पता है कि ये कितना फ्रेश है और हाइजीनिक है आपकी हेल्थ के लिए। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।